हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन धाकड़, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। अब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेसिक इंग्लिश में जब हम आगे बढ़ेंगे तो यूज ऑफ वॉज एंड वर। वॉज एंड वर ऑब्वियसली बात है, इनका यूज हम पास्ट टेंस में करेंगे, बट जैसे हम एजेमआर का यूज करते हैं कि वहाँ पे वर्ब नहीं होती, तो यहाँ पर भी हम वॉज वर का यूज सब कब करेंगे जहाँ पे वर्ब नहीं होगी। तो वॉज का यूज हम जनरली सिंगुलर के साथ करते हैं, वॉज का यूज के साथ करेंगे सिंगुलर, जिसमें कौन आ जाएगा, ही, शी, इट और एनी नेम, और साथ में आई, आई वॉज होता है, ठीक है। और वर का यूज आप प्लूरल के साथ करेंगे, इसमें आपका हो जाएगा वी, दे और यू, और कोई भी प्लूरल थिंग्स मोर देन वन, जो एक से ज़्यादा होगी उसमें भी हम वर का यूज़ करेंगे। तो जैसे ही, शी, इट, इट, एनी नेम, इसमें वॉज आएगा, वर इसमें आ जाएगा। तो जैसे वॉज का यूज़ हम कर, जब किसी भी सेंटेंस में अगर था, थी, थे हो, लास्ट में था, थी, थे आए और वहाँ पे वर्ब ना हो कोई, तो उसमें हम वॉज एंड वर का यूज़ करें। जैसे कि वो गुस्सा था, वो गुस्सा था, तो क्या हो जाएगा, वो गुस्सा था, तो ही वॉज एंग्री। वो प्यासा था, वो प्यासा था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज थर्स्टी। तो जैसे मैं मान लेते हैं सेंटेंस ले लें, जैसे हम इसमें बनाएंगे कैसे बनाएंगे, वही आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वॉज वर रहेगा और फिर आपका यहाँ पर बेस रहेगा, बस यही आपको यूज़ करना रहता है, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ कि मैं टीचर था, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ आएगा वॉज, आई वॉज टीचर। वो स्टूडेंट था, तो वो स्टूडेंट था, तो क्या हो जाएगा, लड़का है, तो ही वॉज स्टूडेंट। उसी तरीके से ये, जैसे मान लो कि ये चेयर थी, तो इट वॉज चेयर, इट वॉज टेबल। तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे वॉज का। अगर वर में यूज़ करें तो जैसे दे वर, जैसे वे खिलाड़ी थे, तो क्या हो जाएगा, दे के साथ आएगा दे वर प्लेयर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसलिए दे वर प्लेयर्स। वैसे यू वर, जैसे राम और श्याम खिलाड़ी थे, तो राम एंड श्याम वर प्लेयर्स। एक्चुअली यहाँ पे दो लोग आ गए, राम एंड श्याम, तो मोर देन वन तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे वर का यूज़ करेंगे, राम एंड श्याम वर प्लेयर्स। राम और श्याम किसान थे, तो राम एंड श्याम वर फार्मर, ठीक है। तो ये आपका वॉज एंड वर का सिंपल सेंटेंस में यूज हो गया। अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आप जानती हैं नेगेटिव में सिर्फ क्या हो जाता है, वॉज एंड वर के बाद क्या जुड़ जाएगा, आपका नॉट जुड़ जाएगा, मींस वॉज वर प्लस नॉट। लेकिन आप इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे तो ज़्यादा सही, इसमें बोलेंगे वॉजेंट एंड वरंट। जैसे मैं इसी को देखूँ, मैं टीचर नहीं था, आई वॉजेंट टीचर। अगर मैं यहाँ नई वर्ड यूज करूँगा तो क्या हो जाएगा, आई वॉजेंट टीचर। वो स्टूडेंट नहीं था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉजेंट स्टूडेंट। वे खिलाड़ी नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, दे वरंट प्लेयर्स। मतलब हमने बेसिकली कुछ नहीं करा, बस वॉज को वॉजेंट कर दिया है, वॉज नॉट। आप चाहें तो वॉज नॉट भी बोल सकते हैं, बेसिकली फ्लुएंसी बनाने के लिए आप जो एब्रीवेशन वर्ड है उनको ज़्यादा यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। दे वॉजेंट, वरंट, वॉज नॉट, इट्स ऑल्सो गुड, बट वॉजेंट, वरंट, इट्स गुड फॉर स्पीकिंग। सो देन ये आपका हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस का, जिसमें भी आपका वर्ब नहीं होती उसका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव पे, तो इंटरोगेटिव आपको पता ही है, इंटरोगेटिव हम क्या करते हैं, जो वॉज वर्ब रहेगा उसको कहाँ ले आएंगे, हम सबसे फ्रंट में ले आएंगे। तो जैसे वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस, ठीक है। तो वॉज वर जैसे कभी भी क्या मैं टीचर था, तो क्या हो जाएगा, क्या मैं थे, तो वॉज आई टीचर। क्या वो टीचर था, वॉज ही टीचर। क्या वो टीचर थी, वॉज शी टीचर। इट में तो आएगा नहीं, राम टीचर था, तो वॉज राम टीचर। मैं टीचर था, तो वॉज आई टीचर, ठीक है। अगर इसी को मैं प्लूरल में यूज करूँगा तो क्या हम टीचर थे, तो वर वी टीचर्स। क्या वे लोग टीचर थे, तो वर दे टीचर्स। क्या तुम टीचर थे, वर यू टीचर। तो बेसिकली आपका वॉज और वर जो है आपका फ्रंट में आ जाएगा और बाकी पूरा सेंटेंस वोई का वोई रहेगा। अगर हम इसी को नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा,
वॉज और वर के बाद क्या जाएगा, नॉट, वही फिर सब्जेक्ट, नहीं आपका वॉज वर, देन आपका सब्जेक्ट होता है, फिर आपका नॉट होता है, फिर बेस होगा। लेकिन अगर आप इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो वॉजंट या वरंट पढ़ेंगे। देखिएगा ये कन्फ्यूजन समझिएगा जरा, क्या मैं टीचर नहीं था, अगर आप इसको अलग लिखेंगे तो वॉज आई नॉट टीचर हो जाएगा, वॉज आई नॉट टीचर, वॉज फिर देन सब्जेक्ट आता है और फिर नॉट आएगा, फिर टीचर आएगा, वॉज आई नॉट टीचर। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा वॉजंट आई टीचर, वॉजंट आई टीचर। तो जनरली बच्चे क्या गलती कर देते हैं, वॉज नॉट आई टीचर बोल देते हैं, वॉज नॉट आई टीचर बिल्कुल गलत हो जाएगा। या तो आप बोलेंगे तो वॉज आई नॉट टीचर बोलना पड़ेगा आपको, नहीं तो वॉजंट आई टीचर। तो बेसिकली तभी मैं आपसे बोलता हूँ कि आप इनको अलग अलग ना बोलें, इकट्ठा बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहे, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता। वॉजंट आई टीचर, वॉजंट आई टीचर, वॉजंट ही टीचर, वॉजंट शी टीचर, वरंट वी टीचर्स, वरंट दे टीचर्स और वरंट यू टीचर। बेसिकली आपने क्या चीज़ सीखी, वॉजंट या वरंट यूज करें तो ज़्यादा सही रहता है। अदरवाइज आपको ये रूल ध्यान रखना पड़ेगा, वॉज फिर आई देन सब्जेक्ट, मीन वॉज देन सब्जेक्ट, फिर आप नोट लगाओगे, तो इसके बाद फिर आपको टीचर लिखना रहेगा। इसी तरीके से आप बहुत बार कई बार इसकी प्रैक्टिस करें, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी इसमें। तो आपको उपयोगा इसे आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें आपको इसी तरीके से बेसिक इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उसको सीखते जाएंगे, अच्छे से आपके हैबिट में आ जाएगा और आपको हैबिचुअली बनना। जैसे ही आपकी हैबिट बन जाएगी फिर आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।